चल बेटा, जिनका आ गया है, बड़ा आसान सवाल है। देखो, कहता है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो सबसे पहले बेटा एक लाइन बना लो ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -3। बीच में कोई पॉइंट अज्यूम कर लो, सपोज पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, m। यही है ना? ये बात नहीं, चलो अलग हो जाओ दोनों लोग, इधर बैठ जाओ, राइट में बेटा बैठ जाओ, बैठो बैठो, एक एक उधर बैठो, हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गंदे मार्क्स आएंगे ऐसी बात करते रहे, बहुत गंदे, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, रेशियो पूछा है, जब कोई चीज पूछी जाती है तो रेशियो को क्या अज्यूम करेंगे बेटा? लेट रेशियो बी K:1। अगर रेशियो बेटा K:1 हो गया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो पी होंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तो वो होंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, K:6 प्लस 1:2 डिवाइडेड बाई K+1। वैसे तुम्हें हर वक्त फॉर्मूला लिखना है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। फिर आएगा K का मल्टीप्लाई करोगे -3 में और प्लस 1:3 डिवाइडेड बाई K+1, और सॉल्व किया तो इट बिकम्स 6K+2 डिवाइडेड बाई K+1 कॉमा -3K+3 डिवाइडेड बाई K+1। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 4, m, 4, m इसके कोऑर्डिनेट्स गिवेन है। अब बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, कंपेयर कर दो। जैसे कंपेयर करोगे तो 4 = आ जाएगा 6K+2 डिवाइडेड बाई K+1, और दूसरा कंपेयर करोगे m = -3K+3 / K+1। पहले ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है? पहले वाला सॉल्व पहले करना है बेटा, जैसे कि अब 4 इधर K+1 डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 4K+4 6K+2, K में उधर ले जा रहा हूँ, तो ये बनेगा 4 - 2 = 6K - 4K। मैंने क्या किया, 2 में लेफ्ट में लेके आ गया, तो 2 = 2K। ये 2 बेटा इसको डिवाइड करेगा आके, तो K की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1। K 1 आ गया, इसका मतलब रेशियो कितना हो गया, 1:1। अब इस K की वैल्यू को, इस K की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, देयर फोर m = -3 - 1 जो भी है डिवाइड बाई K+1, तो इसका आंसर बेटा 0 आ गया, m की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि वो -3 + 3 0, और नीचे अगर मैं 1 पुट कर भी दूं तो ये आंसर आ गया 0/2, दैट इज 0। तुमसे पूछा क्या था बेटा, एक तो रेशियो पूछा था, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1, और m की वैल्यू पूछी थी, वो क्या आ गई, 0। देयर फोर रेशियो हो गया 1:1। जल्दी करो, ये एग्जाम में कब आया था बेटा, 2018 में पूछा गया। तुम देख रहे हो सेम सवाल पूछे जा रहे हैं बार 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 भाई, किसी में वो चेंज कर रहा है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी, कहीं एक्स एक्सिस से कहीं वाई एक्सिस से, यही सवाल डायरेक्ट आते हैं। मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट सवाल पकड़ो, चलो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, आंसर निकालो। चलो बेटा मैं हिंट दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से, जो बच्चे कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। ये कहता है अ लाइन, द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पॉइंट पे। अगर बेटा कोई लाइन है, मान लो एक लाइन है बेटा, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, पी पॉइंट किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0y, और कोई भी पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0। और कहता है कि एक पॉइंट है 2, -5, वो कहाँ है, तो बीच में है। मान लेते हैं बेटा ये आर पॉइंट या पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, -5 है, तो मैं कह सकता हूँ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, आर लिखो, आर लिखो, पी इज द मिड, वो सॉरी आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो,
इसमें डायरेक्ट बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, मौज करो। तो मैं लिखूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, वैसे सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ बेटा, कैसे, रेशियो क्या रहेगा सेक्शन फॉर्मूला के लिए, 1:1, क्योंकि मिड पॉइंट है ना तो 1:1 रहेगा। तो मैं लिखूंगा मिड पॉइंट इक्वल टू होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं बेटा, 2, -5 = x1 0 + x / 2, y + 0 / 2। क्या करना है इसके नेक्स्ट लाइन में बेटा, कंपेयर ही तो करना है, कंपेयर करो एक्स को एक्स के साथ में, वाई को वाई के साथ में। तो लिखेंगे वाई कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो ये 2 = 2 आ जाएगा तुम्हारा, x / 2 इधर आ गया, तो 4 = बेटा एक्स आ गया, -5 = आ गया y / 2, तो ये माइनस वाई, तो बेटा ये क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक है, तो एक्स और वाई, तुम्हें पूछा क्या था, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे ना, तो जब कोऑर्डिनेट्स लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कितने हो गए बेटा, पी था 0, y, तो 0, -10। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हो गए बेटा, क्यू हो गए 4, 0। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, सारे बच्चे जल्दी करो, ये तो आसान सवाल था ना, देखो 2017 में पूछा गया था, कितना छोटा सा सवाल, बिल्कुल आसान सा। मैं बार बार तुम लोगों को इसलिए बोलता हूँ NCERT PYQ करने को, यार PYQ जो बुक है ना, ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये NCERT में नहीं है बेटा, कहीं भी नहीं है। बैग में डालो फोन, बैग में डालो तो फोन सीधा, ये PYQ में तो है नहीं, सॉरी उसमें नहीं है, NCERT में नहीं है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे, तुम अगर करके जाओगे तो अरे पता है भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सेक्शन फॉर्मूला पूछा, इसलिए PYQ करके जाओगे तो तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और नया कुछ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सवाल करो, ये सवाल है सारे बच्चे करो बेटा, ये क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही है, पहला था एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही थी, यहाँ पे वाई एक्सिस डिवाइड कर रही थी, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है क्या, अज्यूम करेंगे बेटा उसके कोऑर्डिनेट 0, y, जल्दी करो, करना चालू करो बेटा, मैं भी कर रहा हूँ। एक लाइन गिवन थी, सपोज ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे बेटा 5, -6, और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे -1, -4। बीच पॉइंट में कोई है जिसके कोऑर्डिनेट्स पी हैं, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, y, और एक्स एक्सिस पे होता है तो क्या होते हैं, तो दिमाग ही नहीं लगा रहा कुछ, वैग वहाँ हो क्या रहेंगे बोलो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो तो कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है ना, तो वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है, x, 0। अबे यार मेरे पागल हो गए, कुछ भी बोल रहा है, x, 0 y, 0 x, 0 y, 0 0, 0 y। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा कोई भी पॉइंट, तो इसमें वाई की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती वाई की वैल्यू, 0। तो जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 ही तो कंसीडर करोगे, या फिर 1, 0, यही तो करोगे, या तो x, 0 या फिर 1, 0। यहाँ पे क्या करोगे बताना, देखो बदतमीजी कर रहा है, अरे भाई हमेशा x, 0 ही करेंगे, हर जगह x, 0 ही करेंगे, कह रहा -x, 0 करेंगे, भाई हर पूरी लाइन पे हम लोग x, 0 लेंगे। अच्छा, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो कौन सी कोऑर्डिनेट 0 होता है, x 0 होता है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0, पता नहीं तो k ले लो, या फिर क्या ले लो, y ले लो। अच्छा यहाँ पे 0, y है बेटा, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ क्या लेंगे,
अच्छा 0.y, ठीक है, सीधी बात है, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो हम लोग 0.y कंसिडर करके उसको चलेंगे, ठीक है। चलो करो तो जल्दी से। अब जब तुम्हारे पास में वाई एक्सिस है तो ये 0.y कंसिडर कर लिया, आगे कुछ गिविन था बेटा? कुछ नहीं गिविन, रेशियो, रेशियो पूछा है केस टू वन मान लो, लेट लेट रेशियो बी केस टू वन, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ बेटा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो पी होंगे वो इक्वल टू होंगे एम एक्स टू, हर बार फॉर्मूला लिखो, कौन बात कर रहा है ये? आयुष्मान बिल्कुल शांत बैठो बेटा, मार्क्स जिस दिन फुल आने लगे ना उसके बाद बात करना, उससे पहले तो आवाज नहीं निकलनी चाहिए। कोऑर्डिनेट्स पी के क्या हैं? 0.y, एम की वैल्यू है तो एम इन टू, और ये कैलकुलेशन इतनी फास्ट करो बिना देखे, ऐसे देखो बेटा, डिवाइड बाई के प्लस वन कॉमा, फिर इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 4k माइनस 4k माइनस 6 डिवाइडेड बाई के प्लस वन, ये बन गया। कंपेयर करा दो, कंपेयर करा दो, कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, के प्लस वन यहाँ 0 हो जाएगा बेटा, के को इधर ले आओ, के की वैल्यू 1 आ, के की वैल्यू ये आ गई, फिर वाई इक्वल टू, बेटा के की वैल्यू ले जाके पुट कर दो, पुट के इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 × 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 + 1, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 × 5 = 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, तो -26 डिवाइड बाई 6, 2 से कैंसिल कर दो बेटा, तो तुम्हारे पास फाइनल जो आंसर आया वो y की वैल्यू आ गई -13/2। तुमसे ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसके बाद में हमें पूछा क्या था, कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हो गए बेटा 0, -13/3, ये समझ में आया? डायरेक्ट सवाल था, बिल्कुल डायरेक्ट, जल्दी करो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। कितने बच्चों का सही था बेटा, हाथ उठाना, अभी भी सारे बच्चों का सही नहीं हो रहा है, सारे बच्चों का हाथ ही नहीं उठ रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर तुम्हारे एक मार्क्स भी कट रहे हैं बेटा तो बहुत बड़ी गलती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। कोऑर्डिनेट हो गया, पॉलीनोमियल हो गया, रियल नंबर हो गया, स्टेट्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें तो एक जीरो जीरो क्या, ये सब जीरो फ्री होना चाहिए, जीरो जीरो एरर करना ही नहीं मिस्टेक इनमें तो। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस सेम सवाल आता है हर साल, सेम भाई क्लाउड आएगा आएगा या जो भी कराए वही सवाल आते हैं, तो इनमें तो कैंसिल भी, एक नंबर भी जा रहा है तो भाई, और इनमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, एक बार पढ़ लो काम हो जाता है। चलो आगे चेंज करता हूँ, नेक्स्ट सवाल बेटा, सारे बच्चे लिखो इसको जल्दी करो, ये भी मैंने टेस्ट में कई बार पूछा है, लेकिन भाई है ना पी वाई क्यू जो बुक दी पढ़ी नहीं तुम लोगों ने अच्छे से,